जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ मंगलामुखी। ग्रेविटेशन आज हम लास्ट कर रहे हैं, ठीक है। आज का जो टॉपिक होगा ग्रेविटेशन का लास्ट पॉइंट, अभी वर्तमान में, बाद में आगे क्या होगा पता नहीं। अभी हम एक आध महीना के लिए ग्रेविटेशन को एंड द एंड में जा रहा है। आज मेरा टॉपिक क्या है, ग्रेविटेशन से रिलेटेड है। एक हिसाब से समझो ये जीके हुआ क्या, और टॉपिक है मेरा सैटेलाइट, ठीक है। क्या है टॉपिक, सैटेलाइट। तो ज्योग्राफी का भी पॉइंट हुआ नहीं, वही अर्थ, वही इक्वेटर, वही पोल नहीं, कैसे कैसे कोई भी प्लैनेट मूव करेगा क्या, कितने टाइप का सैटेलाइट होता है, यही सब ना। सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगा, सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होगा, यही सब पढ़ना है, ठीक है। चलिए हम आज चलते हैं अब अपने बोर्ड के पास, ठीक है। अब आ रहा है फोटो, सेटिंग करना पड़ता है नहीं। अब आ रहा है, और ऊंचा कर दिया जाए तब ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक हुआ, चल हमको पढ़ना है सैटेलाइट ग्रेविटेशन पार्ट 11 नहीं। चल जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगला। ग्रेविटेशन पार्ट 11, ठीक है। किसके लिए हम दे रहे हैं पार्ट 11, तो पार्ट 11 दे रहे हैं क्लास 9th वाला के लिए और NTSE वाला के, ठीक है। सबसे पहले सैटेलाइट कहते किसको है, ठीक है। सैटेलाइट किसको कहा जाएगा, कहा जाएगा कि मान लीजिए कोई एक प्लेनेट है, ठीक है, और इसके चारों तरफ कोई हल्का मास, हल्का मास का मतलब क्या, इसके अपेक्षाकृत हल्का मास यदि मूव कर रहा है तो वही क्या कहलाएगा, प्लेनेट कहलाएगा, अरे सैटेलाइट कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बार हम आपको सैटेलाइट का डिफिनीशन आप लिख लीजिए कि सैटेलाइट है क्या। सैटेलाइट जैसे मून जो है आपका, मून तो क्या हुआ, अर्थ का सैटेलाइट हुआ ना, मून किसका सैटेलाइट हुआ, अर्थ का, ठीक है। सैटेलाइट के डिफिनेशन क्या लिखेगा, ए लाइट बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड a heavier planet due to
ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है इज कॉल्ड सैटेलाइट जैसे एग्जाम्पल ले लो मून जो है क्या मून इज क्या आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल का नेचुरल ना मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ ठीक है अब है कि सैटेलाइट कितने टाइप का दो टाइप का सैटेलाइट एक चलो अब सैटेलाइट जो है मिला वह कितने टाइप का एक तो कहेगा आर्टिफिशियल और नेचुरल अति क्या कहेगा नेचुरल इस टाइप से वो तो बच्चा वाला है आप तो बड़े हो गए सैटेलाइट को हम लोग दो भाग में बांटते हैं सैटेलाइट को दो भाग में बांटे एक हो गया आपका इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल सैटेलाइट और दूसरा हो गया पोलर सैटेलाइट नहीं अर्थ का है इक्वेटोरियल सैटेलाइट और दूसरा हो गया आपका पोलर सैटेलाइट ठीक है इक्वेटोरियल सैटेलाइट जो होता है ना इसको हम लोग कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी कह सकते कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी कह सकते ठीक है इक्वेटोरियल सैटेलाइट दूसरा क्या पोलर सैटेलाइट इक्वेटोरियल सैटेलाइट को ही क्या कहता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट ठीक है एक मिनट इक्वेटोरियल सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट के बारे में हम जाने ठीक है इससे पहले कि कैसे कैसे मूव करता है दोनों चीज पढ़ना है इसका यूजेज इसके बारे में ठीक है इसके लिए हमको डायग्राम बनाना होगा ठीक तो डायग्राम जो बनाना होगा क्या है डायग्राम एक तो अर्थ ले लीजिए ठीक है अर्थ जो आप लीजिएगा ठीक है जैसा बना आप अच्छा बनाइएगा ये जो हुआ आपका इक्वेटर इक्वेटर ये सब क्या है पोल ज्योग्राफी में सब पढ़ा है नहीं पढ़ा है अब और खोज के पढ़ेगा ठीक है नहीं पढ़ा है तो और खोज खोज के इसको पढ़ेगा ठीक है इक्वेटर ऐसे जो मूव कर रहा है कोई भी चीज ठीक है ये क्या हुआ इक्वेटर का पाथ नहीं इसका डायरेक्शन क्या हुआ एक डायरेक्शन भी लिखना होगा ये मेरा क्या हुआ कौन सा एंड होता है ऊपर में नॉर्थ ये हो गया नॉर्थ ये क्या हो जाएगा साउथ ये जब नॉर्थ हो गया आई साउथ हो गया ये क्या होगा ईस्ट नहीं ये क्या होगा वेस्ट ठीक है ये जो मूव करता है इस डायरेक्शन ठीक है वेस्ट टू ईस्ट यहाँ एरो दिखा दिए तुमको हम यहाँ नहीं लिखे हैं डाल दें क्या इसे डालिए तो डायरेक्शन पता चल गया कैसे मूव करता है इक्वेटोरियल रीजन में नहीं
इक्वेटोरियल प्लेन, और दूसरा है मेरा पोल वाला। इसको हम कैसे करें, क्या इसको अलग कलर से किया जाए, रेड यहां नहीं है, है? इसको हम अलग कलर से कर दिए, ठीक है, और इसको अलग कलर से कर दो, हो गया। और हार्ट को यदि रेड सही हो, रेड सही हो तो हम हार्ट को कर दिए किसे, रेड कलर से, रेड सही है, हो गया। नॉर्थ पोल साउथ पोल ये हो गया, इक्वेटर में क्या ईस्ट और ये क्या हो गया वेस्ट, ठीक है। तो ये एक रास्ता हो गया, नहीं ये हो गया दूसरा रास्ता, ठीक है। तो इस रास्ता से कौन जाएगा, दो प्रकार का पढ़े ना सेटेलाइट, इक्वेटोरियल इस लाइटी रास्ता से पोलर, ठीक है। चलो अब आगे, अब आपको इसमें देखना है ये जो ऑर्बिट हुआ इसको बोलेंगे क्या, कौन ऑर्बिट, इक्वेटोरियल ऑर्बिट, इक्वेटोरियल ऑर्बिट, और ये जो ऑर्बिट हुआ इसको क्या बोलेंगे, पोलर ऑर्बिट, ठीक है, इक्वेटोरियल ऑर्बिट और उसको क्या बोलेंगे, पोलर ऑर्बिट, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इक्वेटोरियल ऑर्बिट में क्या बने, कौन जाएगा, इक्वेटोरियल सैटेलाइट मूव करेगा उस पाथ से, और पोलर ऑर्बिट में पोलर सैटेलाइट मूव करेगा, ठीक है। चलिए अब हम इसके बाद आगे आए, फिगर ठीक है, फिगर बना लिया, देख लो फिगर ध्यान से, यहां पर आ रहा क्या, इक्वेटर है ना। अब दोनों में, दोनों के बारे में हम को जानकारी लेना है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट के बारे में, ठीक है। तो हम इसको दो भाग में बांटते हैं, देखो ध्यान से, इसको दो भाग में बांट देते हैं, क्या इसको दो भाग में बांट देते हैं, एक तरफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, एक तरफ क्या पोलर सैटेलाइट, दोनों के बारे में पांच पांच पॉइंट लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर दोनों में क्या डाल देते हैं, यूज डाल देते हैं, यही है कहे ना जीके है, साथ के इसको हाँ, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट जीके दो भाग में बांटू, एक तरफ हम लिख देते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और दूसरा तरफ कर दो पोलर सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और ये हो गया मेरा पोलर सैटेलाइट, ठीक है। अब आ जाओ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के में क्या लिखेगा, पहला पॉइंट ये जो मूव करता है किस प्लेन में, इक्वेटोरियल प्लेन में, लिखो इट मूव्स इन इक्वेटोरियल प्लेन, और पोलर किसमें करेगा, इट मूव्स इन पोलर प्लेन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जा इसका दूसरा पॉइंट, अर्थ सरफेस से इसका हाइट कितना है, नहीं लिखो इट्स हाइट फ्रॉम अर्थ
सरफेस इन 6 इंटू आर ई, यहां हम लिखते हैं 6 इंटू आर ई, इसका मतलब हुआ 6 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, नहीं 6 इंटू क्या रेडियस ऑफ अर्थ, तो कितना हो जाएगा 36,000 किलोमीटर, ठीक है। इसका हाइट कितना है, इट्स हाइट 500 to 800 किलोमीटर, मतलब 500 से 800 किलोमीटर, ठीक है। अब आ जा पॉइंट नंबर 3, इसका रोटेशन जो किया था, नहीं उसमें साइन दिए थे ना हम लोग, क्या क्या दिए थे साइन, वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे क्या था वेस्ट टू ईस्ट, नहीं तो लिखिए इट्स रोटेटिंग सेंस शुड बी सेम एज अर्थ, अर्थ भी उसे मूव करता है, अर्थ किधर से किधर वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। पोलर का क्या हो जाएगा, पोलर का जो डायरेक्शन होगा वह हो जाएगा साउथ टू, वहां लिखा हुआ है, एरो दिया हुआ है ना, साउथ टू नॉर्थ। अब आ जा पॉइंट नंबर 4, इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होगा और इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना, इसका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी यह है 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड, ये जो अपना ऑर्बिट में मूव करेगा, ठीक है, उसमें कितना उसका वेलोसिटी रहेगा 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड, जबकि पोलर का हो जाएगा एट, लगभग होता है 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। चार हो गया आपके पास, फिफ्थ पॉइंट है ये टाइम पीरियड, माने एक रिवॉल्यूशन में कितना समय लगता है, एक रिवॉल्यूशन का मतलब तो जानते हैं एक पूरा चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लगेगा, इसलिए उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, हाँ। इसके लिए इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड हो जाता है 24 घंटा, 23 आवर 56 मिनट, समझ गए, एक बार पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, तो 23 आवर 56 मिनट, और उसको टाइम कितना लगता है, इसको लगता है 90 से 100 मिनट, ठीक है। इट्स टाइम पीरियड कितना है, 90 से लेकर के 100 मिनट हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं इसके यूजेज पर, दिखाई दे रहा है वो, हाँ ठीक है। अब इसके यूजेज पर आ जाते हैं, वो नाम तो रहने देते हैं ऊपर वैसे भी, अब आ जाइए यूजेज, कितना जीके का क्वेश्चन बन गया ना, ये सब तो सब जीके ही है, जीके कहो चाहे ज्योग्राफी कहो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं कि अब आ जा, सारा का इंक सूख जाता है बरसात में, सूख जाता है बता यूजेज, अब हमारा पॉइंट है दोनों का यूज, ठीक है। अब आ जा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में इसका यूज हम क्या लिखे, ठीक, पहला इसका क्या नाम था, कम्युनिकेशन भी बोले थे, सबसे पहले वही लिखेंगे कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, नहीं दे आर यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, दे आर यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, ठीक है, कम्युनिकेशन पर्पस, जैसे रेडियो टीवी चलता है,
फॉर ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो टीवी और टेलीफोन का सिग्नल, टेलीफोन सिग्नल एक्सेट्रा, ठीक है। पोलर सैटेलाइट का, अच्छा उसका बाद में लिखा है कि दूसरा काम है हम लोगों का मौसम का जो जानकारी मिलता है मौसम के बारे में, फॉर वेदर फॉरकास्टिंग, फॉर वेदर फॉरकास्टिंग, ठीक है। अब आ जाइए थर्ड पॉइंट में, एटमॉस्फेयर के अपर रीजन के बारे में, एटमॉस्फेयर के अपर रीजन के बारे में जो जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं वो इसी से है, फॉर स्टडिंग अपर रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर, ऑफ एटमॉस्फेयर। चौथा में आ जाइए सोलर रेडिएशन के बारे में, ठीक है, टू स्टडी सोलर रेडिएशन। और पांचवा पॉइंट में आ जाइए कॉस्मिक रे, कॉस्मिक रे के बारे में, फॉर स्टडिंग कॉस्मिक रेज। हो गया, ये मेरा हुआ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आपके जीवन में क्या क्या यूज होता है या क्या क्या सुविधा आप उसके कारण भोगते हैं, सब इसी कारण है। अब आ जाइए यहां पर, यहां जगह कितना है आपको जाना चाहिए कि आके एक काम किया जाए उसको साफ कर दे, उधरे लिख देते हैं कि अगर नहीं आए मान लो पोलर सैटेलाइट उधर लिख देते हैं। चलो यहीं पर लिख दिया जाए, तुम लोग तो लिखा ही हुआ है, तुम लोग अपना लिखो ऐसे ही पोलर सैटेलाइट। पहला पॉइंट पोलर सैटेलाइट, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, इट इज बीइंग यूज्ड टू रिकॉर्ड समुद्र का क्या टेम्परेचर है, लैंड का टेम्परेचर क्या है, क्योंकि यह बहुत नजदीक से मूव करता है, ठीक है, बहुत सर के मूव करता है, इसीलिए इट इज बीइंग यूज्ड टू रिकॉर्ड द लैंड एंड सी टेम्परेचर, लैंड एंड सी टेम्परेचर। एक दूसरा, ग्रीन हाउस, इट इज यूज्ड टू मॉनिटर टू ट्रेंड ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ट्रेंड ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, थर्ड में आ गया मिलिट्री पर्पस के लिए, नहीं जैसे हर जगह तो हम नहीं जा सकता, मेरी सेना तो नहीं जा सकती है, तो हर समय फोटो ले लेके देते रहता है हम लोगों को कि कहां किस सीमा पर जन्म करता है, क्या हम लोगों का पड़ोसी है, एक है धोखेबाज, ठीक है, हाँ एक क्या कहिएगा, एक को एक धोखेबाज, एक चालबाज, ऐसा ही पड़ोसी सब। थर्ड, इट इज यूज्ड फॉर मिलिट्री पर्पस, ठीक। फोर में आ जा
रिमोट सेंसिंग इट इज यूज्ड फॉर रिमोट सेंसिंग। हो गया, तो रिकल यहां काम खत्म हो गया। ठीक है, हम चाहे तो अलग कर सकते हैं लेकिन नहीं, हम तो बोल दिए हैं कि इसमें खत्म कर देना है, इसीलिए जो समय लगेगा हम इसमें लगा के आज खत्म कर देंगे। तो बच्चा तो बहुत टेंशन में आ जाता है। नहीं, हम सोचते हैं कि जो नॉलेज इससे जुड़ा हुआ है उतना तो मेरे बच्चा के पास नॉलेज रहना चाहिए कि, इसलिए हम उसको चाहते रहते हैं, लेकिन बच्चा से मेरा तंग हो जाता है। हम देखें, अब हमको पढ़ना है एक क्या आके दो भाग में कर दें, कर दें, क्योंकि अब जो दो पॉइंट है वो थोड़ा सा ना नहीं करते हैं, 10-15 मिनट लेट होगा किया जाएगा। अब हमको पढ़ना है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, कि वेलोसिटी जो हम लिख दिए कि इतना किलोमीटर पर सेकेंड वो कैसे होगा। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी नाम से तो जाना पहचाना लगता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, जैसे इसमें ये फिगर बनाना होगा हमको, मान लीजिए ये आपका अर्थ हो गया, इसका मास क्या है एम, ये आपका रास्ता हो गया, इसे मूव कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, यहाँ पर इसका मास क्या है एम, इसका रेडियस यहां से ले लो, ठीक है, यहां से यहां और यहां से यहां। ठीक है, इससे बहुत ही नजदीक माना जाता है। ठीक है, यहां तक फिगर में दिखा दिए कितना दूरी है, इसे लगभग सटा हुआ मान के हम लोग चलते हैं। ठीक है, ये मूव करेगा, किस डायरेक्शन में करेगा, इसका मास एम ले लिया, इसका वेलोसिटी जो है उस वेलोसिटी को हम मान लेते हैं वीओ। वीओ का मतलब हुआ ऑर्बिटल वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं, ये मास है नहीं, जो भी सैटेलाइट होगा वो मूव करेगा उसका मास है स्मॉल m, और वेलोसिटी है क्या vo, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये जो हुआ ये रेडियस ऑफ अर्थ हुआ, यहां से यहां को मान लेते हैं हम लोग h, जबकि h निग्लिजिबल है लगभग बहुत कम। तो ये जो मूव करेगा, एक चीज देखो, ये जो मास है मतलब कोई प्लेनेट जो मूव करता है क्यों, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, नहीं किसी कारण, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। आ फोर्स कितना लगाता है इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वो आपको फॉर्मूला पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स को मान लेते हैं एफ जी, कोई दिक्कत नहीं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बराबर क्या होगा, जी एम एम बाय आर स्क्वायर, जी एम एम बाय कितना आर स्क्वायर। अच्छा, एक चीज हम लोग जो आर लिए हैं रेडियस ऑफ अर्थ है, इसको आर ले लिए, ठीक है, एच लिए, यहां पर हम एच ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, जी एम एम बाय आर स्क्वायर, जी एम एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और यह किसके बराबर होगा, यह सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी आपको पता है, इसको लिखे एफ सी पी, यानी क्या सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर क्या एम वी स्क्वायर बाय आर, नहीं एम वी स्क्वायर बाय कितना आर। ठीक है, ये दोनों बराबर होगा, दोनों क्या होगा इक्वल, दोनों जब इक्वल हो गया अपने देखो कि जी एम एम by r square is equal to m v square by r, r से square कट गया, m से m कट गया, ठीक है, तो क्या बचा gm by r is equal to v square। ठीक है, इसका मतलब v is equal to under root gm by r, ये जो v है वो क्या orbital velocity ना, तो सब में o लगा दो, o लगा दो, o लगा दो, वो लगा दो, नहीं ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाय आर। अब हम यहां क्या करेंगे, देखो सब चीज आता है तुमको, आता था ना, अब हम क्या करेंगे, ये जो कैपिटल जी है ना उसके बदला में
इसका रिलेशन जो स्मॉल जी से है उसको डाल, ठीक है। तो स्मॉल जी बराबर क्या था, जीएम बाय, यानी कैपिटल जी बराबर क्या था, कैपिटल जी बराबर था मेरा जीएम बाय आर स्क्वायर, है ना। कैपिटल जी बराबर क्या था, जी आर स्क्वायर बाय एम, जी आर स्क्वायर यहां पर लिख दो, चूंकि कैपिटल जी बराबर जी आर स्क्वायर बाय एम, तो वैल्यू यदि हम डालते हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग, जी आर स्क्वायर, ठीक है। अब बाय कितना, एम इंटू कितना था एम, अब बाय कितना आर, हो गया आर, एम से एम कट गया, आर से इसका स्क्वायर कट गया, क्या हो जाए अंडर रूट जी आर, नहीं और वेक्टर वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर, आर क्या रेडियस ऑफ अर्थ, आर क्या रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। हर एक चीज दिमाग में रखना, ये जो लिया है ना वह इसके लगभग सटा हुआ है, बहुत ही कम है, निग्लिजिबल है, यानी आर ई प्लस एच इज इक्वल टू आर ई मान लेते हैं हम लोग, बात समझ गया ना, क्योंकि जो मूव कर रहा है इसके एक्सिस से सटा हुआ नहीं, बहुत नजदीक, इसीलिए एच जो है या लिखिए दो एच इज वेरी वेरी स्मॉलर देन क्या आई, देयरफोर आर ई प्लस एच बराबर हम लोग सीधा क्या लिखते हैं आई, इस बात को दिमाग में रखना हो क्योंकि बच्चा है तुम लोग अभी। अब इसके बाद आप निकाल सकते हैं इसका वैल्यू, जी का वैल्यू कितना आता है 9.8, 9.8 रेडियस ऑफ अर्थ तो याद है कितना 6400 है, 6.4 इंटू 10^6 मीटर कर दो, 6.4 इंटू 10^6 मीटर, यही जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, पॉइंट यहाँ है, यहाँ पर पॉइंट है, इसको सॉल्व करेगा तो जो वैल्यू निकाला था कितना 7.8 करीब आएगा, क्या आएगा 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड, या इसी को हम लोग लिखे हैं 8 किलोमीटर पर सेकेंड, क्या लिखे 8 किलोमीटर पर सेकेंड, हो गया। एक पॉइंट मेरा खत्म, अब एक पॉइंट और है, ये तो मेरा और आते वेलोसिटी हुआ, अब एक पॉइंट है टाइम पीरियड, क्या है टाइम पीरियड, चलो 2 मिनट और लगेगा लेकिन काम खत्म किया जाए, आज के बाद इसमें नहीं आएंगे हम लोग, की ऑलरेडी बोल चुके हैं, वैसे ही 2 बन जाता लेकिन काम यहीं पर खत्म किया जाए, कम से कम इतना भी जानकारी रहेगा ना तुम्हारे पास, फॉर्मूला रहेगा कैसे फॉर्मूला बनेगा, जीके का जीके हो गया और फिजिक्स हुआ, उससे पहले ज्योग्राफी हो रहा क्या, उससे पहले जीके था और ये फिजिक्स हो रहा। चलिए अगला पॉइंट क्या है मेरा, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, किसी भी सैटेलाइट का टाइम पीरियड कैसे निकालना, यह एक सवाल यह है, ट्रैक्टर कभी जीने नहीं देता है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड वो जो पाथ है वह क्या है सर्कुलर, तो सर्कुलर पाथ जब ही हो गया इसका मतलब क्या, सर्कमफेरेंस नहीं, डिस्टेंस क्या हो जाएगा उसका, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस अब बाय क्या टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, नहीं तो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई आर बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी, 2 पाई आर बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये टाइम पीरियड निकलेगा, बस दोनों चीज आपके पास है, टाइम पीरियड अब हम निकाल लेंगे, अभी जो फॉर्मूला निकाले थे हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला उसमें निकाले थे ना, क्या निकाले थे अंडर रूट जी एन बाई आर निकाले थे, वो वैल्यू को यहां डाल दो, ये क्या होगा 2 पाई आर बाई अंडर रूट जी एम बाई आर, आर चला गया ऊपर, ठीक है, इसका मतलब हो गया 2 पाई आर स्क्वायर बाई अंडर रूट जी एम होगा 2 पाई आर स्क्वायर बाई कितना अंडर रूट जी एम। अब हम क्या करेंगे इसमें
एक चीज और छूटा हुआ है क्या जी? 2πr ओ r स्क्वायर कैसे लिख लिए? अंडर रूट में ना था r, अंडर रूट r ना, r का पावर 1 और प्लस कितना 1/2, यानी ये हो जाएगा 2πr का पावर 3/2 और बाय कितना अंडर रूट g, क्योंकि पावर 1 था उधर पावर 1/2 था तो क्या हो जाएगा 3/2 हो गया है। mm कर लिया क्या हो जाएगा 2πr का पावर 3/2 ठीक है बाय कितना जी एन। अब हम क्या करेंगे फिर कैपिटल जी का वैल्यू डाल देंगे, अभी जो डाले थे उसमें तो कैपिटल जी का वैल्यू, ये जो कैपिटल जी है तो कैपिटल जी का वैल्यू डाल देंगे क्या जी आर स्क्वायर बाय हम। इस प्रकार से आपका हो जाएगा यहीं पर लिखिए दो 2πr^3/2 बाय आर रूट जी, यानी टी स्क्वायर बराबर 4, इसका स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ तो 4πr² बाय जी एम आर क्यू ठीक है हो गया। अब आप क्या कीजिए ऑर्बिटल वेलोसिटी, यही वैल्यू यदि डाल देते हैं आप तो आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी निकल जाएगा 8 किलोमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, आपको इस सारा वैल्यू यदि डालते हैं ठीक है तो वैल्यू कितना डालिएगा आप सब कट के आ जाएगा 2πr/g, इसको जब सॉल्व कीजिएगा हाँ तो t बराबर क्या होगा 2πr/g, रेडियस ऑफ अर्थ पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है, पाई का वैल्यू पता है, सब का वैल्यू जब आप डालिएगा इसमें इससे ये आ जाएगा ठीक है। तो अब टाइम कम है इसीलिए हम इसको सॉल्व कर मारे हैं, यही सॉल्व कीजिएगा इसमें आएगा आपको 50063 सेकेंड ठीक है, यानी 1 आवर 24 मिनट हो गया। चलिए ज्यादा हो गया आज, लास्ट हो गया, जय मामल्ला।